चाचा चौधरी और हिप हिप हैप्पी। एक उच्च कस्टम अधिकारी जीप पर। क्यों भाई, चाचा चौधरी यही रहते हैं क्या? जी हाँ। अंदर। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विदेशों से अनेक हिप्पी युवक हमारे देश में आते हैं। इनमें स्वीडन का एक हिप्पी माइकल हमारे देश में कई चीजें स्मगल करता है, पर वह हमारे हाथ नहीं लगती। माइकल के सामान की तलाशी क्यों नहीं लेते? हमने कई बार उसकी तलाशी ली है, यही नहीं, अनेक बार उसके सारे कपड़े उतार कर देख चुके हैं, फिर भी वह मुस्कुराता हुआ हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। मामला सचमुच बड़ा पेचीदा है, मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। लाना भगवान, मेरा भीम सैनी लठ। चलिए देखता हूँ कैसे माइकल कस्टम अधिकारियों की आंख से बचकर निकलता है। चाचा चौधरी हवाई अड्डे पर। यह रहा माइकल, इसे ले जाकर इसकी तलाशी लो। चलो माइकल, इस कमरे में तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। अब पहले भी कई बार मेरी तलाशी ले चुके हैं। तुम्हारे बैग में तो कोई अवैध सामान नहीं मिला। चलो अब अपने कपड़े उतारो। अब मुझे परेशान कर रही है। लो, देख लो, कपड़े भी निकाल लिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई अवैध सामान नहीं। चाचा जी, हमने इसकी अच्छी तरह से तलाशी ले ली, इसके पास कोई स्मगल की चीज नहीं मिली। माइकल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। अब माइकल रुको, मुझे एक चीज और देखनी है। अब क्या रह गया है? सारे कपड़े उतार कर तो देख लिए। बस मुझे तो एक चीज ही देखनी है, तुम्हारे खूबसूरत घुंघराले बाल। लीजिए, यह रहा स्मगल का माल। इसके घने बालों में कई सोने के बिस्किट व बेशुमार घड़ियां छिपी हैं। देखते ही देखते सोने के बिस्किटों और घड़ियों का ढेर लग गया। चाचा जी, अगर आप न आते तो माइकल हमें आज भी चकमा दे जाता।